माहिर माहिर शायर की जानिब पूछ करते हैं जो आपकी दरख्वास्त पर हसनपुर से तशरीफ लाए हुए हैं। बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा भी हैं। मेरी दरख्वास्त है जनाबे शम्सुल हसन शम्स हसनपुरी साहिब से कि वो तशरीफ लाएं इन चार मिसरों के साथ कि मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। और वो अपने खून से लिखने लगा है खत मुझको, अब इस मजाक को संजीदगी से लेना है। बहुत ही संजीदा शायरी करने वाले डॉक्टर हसनपुरी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने कलाम से नवाजे। हाजरीन मुशायरा, अगर किसी दुश्मन को जिंदा रखना हो तो उसका जिक्र ज्यादा किया जाए, तो इसलिए मैं मोदी जी को जिंदा रखना नहीं चाहता तो उनका जिक्र भी करना नहीं चाहता। क्या कहने, दोस्तों एक चार मिसरे मुझे याद आए कि दुश्मन का न कर जिक्र के शोहरत होगी, दुश्मन का न कर जिक्र के शोहरत होगी, रुसवाए जहां तेरी भी इज्जत होगी, और जुड़ जाएगा नाम उसका भी तेरे नाम के साथ, तेरी शोहरत है उसकी भी शोहरत होगी। दोस्तों ज्यादा वक्त आपका जाया नहीं करूंगा जी, तहत का शायर हूं बस चंद लम्हे आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए। मैं चार मिसरों से अपने सफर का आगाज करना चाहता हूं। जी अता फरमाइए। सुनिए मेजर साहब के है चरागों में गर लहू शामिल, है चरागों में गर लहू शामिल, इन हवाओं से कुछ नहीं होगा। क्या कहने हैं, है चरागों में गर लहू शामिल, इन हवाओं से कुछ नहीं होगा, और रहनुमाई वतन की खुद ही करो, रहनुमाओं से कुछ नहीं होगा। कहे चरागों में कर लहू शामिल, क्या कहने इन हवाओं से कुछ नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा। है चरागों में कर लहू शामिल, इन हवाओं से कुछ नहीं होगा, रहनुमाई वतन की खुद ही करो, रहनुमाओं से कुछ नहीं होगा। शुक्रिया शम्स नवाज़ी का जी। एक मतलब दो तीन शेर में हाजिर करता हूँ। मतलब यूं अर्ज किया है कि बुरे आमाल से एक दिन मुकद्दर टूट जाता है। भाई दोस्तों सुन लीजिए, हमतन गोश हमारे मुशायरों की आबरू, मेरे बड़े भाई खुर्शीद हैदर साहब तशरीफ हाजिर करता हूँ के बुरे आमाल से एक दिन मुकद्दर टूट जाता है, कभी शीशे की जद में आके पत्थर टूट जाता है। क्या कहने हैं, के बुरे आमाल से एक दिन मुकद्दर टूट जाता है, कभी शीशे की जद में आके पत्थर टूट जाता है। और ये शेर के चला तू शोक से खंजर मगर ये याद रख जालिम, के चला तू शोक से खंजर मगर ये याद रख जालिम, मेरी गर्दन से टकराते ही खंजर टूट जाता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बहुत खूब बहुत खूब। चला तू शोक से खंजर मगर ये याद रख जालिम, मेरी गर्दन से टकराते ही खंजर टूट जाता है। और ये शेर भी बड़ा नाजुक सा शेर है दोस्तों, हिफाजत कर लीजिए नदीम साहब के। चला तू शोक से खंजर मगर ये याद रख जालिम, मेरी गर्दन से टकराते ही खंजर टूट जाता है। वो कांधा दे तो देता है जमा बेटे की मैयत को, मेजर भाई के चला तू शोक से खंजर मगर ये याद रख जालिम, मेरी गर्दन से टकराते ही खंजर टूट जाता है। वो कांधा दे तो देता है जवां बेटे की मैयत को, मगर वो बाप फिर अंदर ही अंदर टूट जाता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। वो कांधा दे तो देता है बेटे की मैयत को, वाह वाह, मगर वो बाप फिर अंदर ही अंदर टूट जाता है, मगर वो बाप फिर अंदर ही अंदर टूट जाता है। खालिद भाई, मगर वो बाप फिर अंदर ही अंदर टूट जाता है। हाजरीन मुशायरा, आप अहले इल्म भी हैं और अहले ईमान भी हैं, मैं इल्तिमास करता हूं कि मेरे इस शेर के साथ में एक एक शख्स की शिरकत हो जाए तो मैं समझूंगा कि जो मैंने जिला अमरोहा से यहां तक का सफर तय किया है वो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। इस शेर की हिफाजत कर लीजिए कि वो कांधा दे तो देता है जमा बेटे की मैयत को, मगर वो बाप फिर अंदर ही अंदर टूट जाता है। अगर ईमान है तो एक ही काफी है लश्कर में,
अगर ईमान है तो एक ही काफी है लश्कर। अगर ईमान है तो एक ही काफी है लश्कर में, न हो ईमान तो लश्कर का लश्कर टूट जाता। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। अगर ईमान है तो एक ही काफी है लश्कर में, न हो ईमान तो लश्कर का लश्कर टूट जाता है। और हमारे दर्द दहलवी साहब जो अदब की बेलोस खिदमत करते हैं, मैं ये शेर उनके हवाले से आप तमाम हजरात तक पहुंचाता हूं कि अगर ईमान है तो एक ही काफी है लश्कर में, न हो ईमान तो लश्कर का लश्कर टूट जाता है। तकब्बुर हद से ज्यादा है उसे दरिया के होने पर, तकब्बुर हद से ज्यादा है उसे दरिया के होने पर, मियां मगरूर होकर तो समंदर टूट जाता है। मियां मगरूर होकर तो समंदर टूट जाता है। अगर इजाजत दें तो सिर्फ दो शेर और पढ़ के अपनी जगह लूंगा मैं। हाजिर करता हूं कि जी मतला यूं अर्ज किया है खुर्शीद हैदर साहब के, जो कायनात थी वो सब लुटा के बैठे हैं, जो कायनात थी वो सब लुटा के, जो कायनात थी वो सब लुटा के बैठे हैं, मगर जमीर हम अपना बचा के बैठे हैं। वाह, सब लुटा के बैठे हैं मगर जमीर हम अपना बचा के बैठे हैं। और ये शेर दोस्तों हिफाजत करने के, मगर जमीर हम अपना बचा के बैठे हैं। हवाओ हमसे तुम्हारी मुखालफत कैसी, मेहजर साहब के हवाओ हमसे तुम्हारी मुखालफत कैसी कि हम चराग नहीं दिल जला के बैठे हैं। हवाओ हमसे तुम्हारी मुखालफत कैसी कि हम चराग नहीं दिल जला के बैठे हैं। और करीम समर साहब, हम चराग नहीं दिल जला के बैठे हैं, वो कल तलक तो बड़ी तमकनस से चलते थे। हवाओ हमसे तुम्हारी मुखालफत कैसी कि हम चराग नहीं दिल जला के बैठे हैं, वो कल तलक तो बड़ी तमकनस से चलते थे, न जाने आज को नजरे झुका के। क्या कहने हैं, वो कल तलक, वाह वाह वाह, वो कल तलक तो बड़ी तमकनस से चलते थे, न जाने आज को नजरे झुका के बैठे हैं। जो कायनात थी वो सब लुटा के बैठे हैं, मगर जमीर हम अपना बचा के। वाह वाह वाह, ये थे जनाबे शम्सुल कमर मैं एक मतला हाजिर करता हूँ, एक मतला दो तीन शेर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं मतला हाजिर करता हूँ, चाहत पे उसे जब मेरी शक तक भी नहीं है, चाहत पे उसे जब मेरी शक तक भी नहीं है, फिर चेहरे पे क्यों उसके चमक तक भी नहीं है। चाहत पे उसे जब मेरी शक तक भी नहीं है, फिर चेहरे पे क्यों उसके चमक तक भी नहीं है। और हम जैसा तेरा कोई परस्तार ना होगा, हम जैसा तेरा कोई परस्तार ना होगा, पायल में मगर तेरी खनक तक भी नहीं है। कि हम जैसा तेरा कोई परस्तार ना होगा, पायल में मगर तेरी खनक तक भी नहीं है, पायल में मगर तेरी खनक तक भी नहीं है। और कल तक तो न मिलने की शिकायत रही उससे, कि हम जैसा तेरा कोई परस्तार ना होगा, पायल में मगर तेरी खनक तक भी नहीं है। कल तक तो न मिलने की शिकायत रही उससे, अब उसके बिछड़ने की कसक तक भी नहीं है। कि कल तक तो न मिलने की शिकायत रही उससे, अब उसके बिछड़ने की कसक तक भी नहीं है। और दोस्तों मैंने काफिया इस्तेमाल किया है, ये काफिया मैंने जिस मफहूम को लेकर इस्तेमाल किया है, अगर वाकई शेर हो गया हो, हालांकि मुझे कह के अच्छा लगा था, मगर ये मेरा अपना फैसला नहीं होगा, ये फैसला तो हमारे खुर्शीद साहब करेंगे, दर्द दहलवी साहब डॉक्टर मुकर्रम अदना साहब सदर मुशायरा करेंगे, अगर काफिया लग गया हो इस रदीफ के साथ। कल तक तो न मिलने की शिकायत रही उससे, अब उसके बिछड़ने की कसक तक भी नहीं है। जिस शख्स पे मैंने बड़े एहसान किए हैं, जिस शख्स पे मैंने बड़े एहसान किए हैं,
उस शख्स के लहजे में लचक तक भी नहीं। जिस शख्स पे मैंने बड़े एहसान किए हैं उस शख्स के लहजे में लचक तक भी नहीं है, उस शख्स के लहजे में लचक तक भी नहीं है। और मरहम तो बड़ी बात है इस दौर में शम्स मक्ता मुलाहिजा करे कि जिस शख्स पे मैंने बड़े एहसान किए हैं उस शख्स के लहजे में लचक तक भी नहीं है। मरहम तो बड़ी बात है इस दौर में शम्स जख्मों के लिए अपने नमक तक भी नहीं। वाह वाह वाह। एक शेर मुझे याद आया कि मरहम तो बड़ी बात है जख्मों को हमारे, तुम तो कभी भूले से नमक तक नहीं लाए। ये थे जनाबे शम्सुल कमर शम्स हज़रत पुरी साहिब जो कि नहायत ही मुरस्सा कलाम से महजूज फरमा रहे थे। आइए दोस्तों अब